बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। राइट, तो भसीन जी जल्द ही हमारे साथ रोज जुड़ेंगे, कई सारे कमाई के मौके होंगे। भसीन जी मॉर्निंग, इंतजार होगा हमारे व्यूवर्स को आपके रोज जो आपके आइडियाज हों उनके लिए काम आए, पैसा बनाए। लेकिन अभी जो आपके आइडियाज मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से थे, अच्छा मुनाफा हुआ है वहां, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, तो क्या एक बार के लिए व्यूवर्स भी टाटा टेली जैसे स्टॉक्स, जेपी पावर जैसे स्टॉक्स, उनसे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको शायद कहावत पता है, पंजाबियों की चाल वखरी। अब देखो 80 रुपए हो गया पीएनबी और आपने 40 रुपए पे कहा संजीव जी चलता ही नहीं, चलता नहीं। शेयर बाजार है, थोड़ा इंतजार कराएगा, लेकिन 40 का चीज हो गया 80। सोने पे सुहागा, मक्के रोटी और उसके ऊपर गुड़, ये तो होती है शेयर बाजार, आप समझ गए ना। और अजय जी 80 रुपए होने में टाइम नहीं लगा, इट इज जस्ट 4 months। So for 6 months the stock can frustrate you, but the 4 months you will make money. And you are right. अब आपको confidence देने के लिए रोज आएंगे और उसी तरह से आपको चाहे buy हो sell हो लेकिन बने रहने की इच्छा देंगे। It is very easy to get disillusioned, but you have to stay put. ये नहीं मैं कह रहा कि market में profit booking नहीं आएगी, वो तो बच्चा बच्चा कह रहा है profit booking आए, लेकिन profit booking आपके कहने से नहीं आएगी, आपको तैयार रहना है मैंने कहाँ entry करनी है। We all know the Fed rate and the bond yield, इसमें कोई नई ताजा बात नहीं है। The world is waiting for a correction, I don't know when it will come. In the meantime, मेरा काम है अच्छे शेयर ढूंढना और वो मैं कर रहा हूँ। तो अजय जी आपके लिए आज 3-4 अच्छे पिक्स हैं, लार्ज कैप में भी मिड कैप में भी, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए वसीन साहब। देखिए सबसे पहले तो लीजिए रिलायंस, 2400 रुपए में, 2390 रुपए में रिलायंस इज अ नो ब्रेनर। मैंने जितनी मंदी आनी थी आ गई है, आज का मार्केट का फॉल ही रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के वजह से है। तो आई एम नॉट गोइंग विद एचडीएफसी बैंक, आई एम गोइंग विद रिलायंस एंड एक्सिस बैंक, एंड आई विल ऐड अ हिंदुस्तान लीवर। कन्विक्शन से मैं टेबल थोक के कहता हूं कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट और जो इन्फ्लेशन और नंबर छोड़ी है, दे विल राइज, दे विल इंक्रीज प्राइसेस। लीवर इज द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले टू कंजम्पशन। रिलायंस आपके हिसाब, मेरे हिसाब से ऑन द न्यू वेवलेंथ विच दे आर गेटिंग ऑन जियो एंड अदर्स इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। ये लार्ज कैप हो गए। मिड कैप में अभी आपने बायोकॉन कहा, तो फार्मा इज टेकिंग माय प्लेस। बायोकॉन एज अ डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में 240 से है। मैंने अभी ऐड किया है इप्का लेबोरेटरीज। इप्का लेबोरेटरीज इज आर्ग्यूबली द बिगेस्ट प्लेयर नाउ इन फॉर्मुलेशंस इन ग्लोबली द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और उन्होंने 3 जगह पे यूरोप में बहुत एक्सेसिवली एक्सपैंड किया है। साथ में अजय जी, इट बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले अगेंस्ट अ वीक रूपी, बिकॉज द एक्सपोर्ट अर्निंग्स विल एड टू द मोमेंटम। Thirdly, I will give you another card. So I am looking at IPCA, by the way, as its new highs. IPCA is headed to 1200 by the end of this year. Or third, but last not least, hoega SBI cards. SBI cards will report 25% growth in this quarter on quarter. Aur aapko pata hai, in the festive season, the cards business is rocking. And with the increase in interest, the liability franchise is more or less steady, but their rates are going up. SBI card at 820 is a must have. 790 का स्टॉप लॉस है, 900 का टारगेट। और आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और ऐड कर देता हूं, श्रीराम फाइबर। देखिए हमें पता है स्पेशलिटी केमिकल में वीकनेस है एंड सो ऑन, बट चाइना जिस तरह से गवर्नमेंट पैकेजेस दे रहा है मेटल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल, पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड हैज स्टार्टेड टू गो अप। मुझे लगता है SRF इज अ मस्ट हैव अराउंड दिस 2370-2380। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रिलायंस का कॉल आपका जान के मुझे बड़े जबरदस्त अचंभा लगा। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रियंका और हम ये बात कर रहे थे, 4000 करोड़ का आज ब्लॉक डील हुई है सुबह सुबह, 2355 तक स्पॉट में गया, उसके बाद रिबाउंड आया और हमारे सारे चार्टर्स यही कह रहे हैं कि वो लोअर एंड ऑफ द रेंज पहुंच गया है जहां पे वो वैल्यू जोन में आ रहा है चार्ट वाइज, और आपका फंडामेंटल कॉल भी दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो रिलायंस पे कॉल, HUL पे कॉल, बहुत अच्छी, बहुत ही डिफरेंशिएटेड कॉल है ये भी लार्ज कैप में। IPCA, ये श्रीराम फाइबर कौन सी कंपनी है? मैंने आज तक नाम नहीं सुना था, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी शायद। इसी आप श्रीराम फाइनेंस नहीं बोल रहे हैं ना, श्रीराम फाइबर बता रहे हैं? अरे SRF जी, 9 रुपए 10 रुपए में सौदा करता था SRF का 30 साल पहले। बसीर साहब आप जो है ना, आप इतने पुराने बाजार में, इतने अनुभवी हैं आप, जो है कई बार एकदम देसी में प्यार से कहते हैं ना मोनू की कंपनी है, अरे भाई वो बहुत बड़ा
मानिकलाल सीएमडी बन चुका है प्यार से शीरा भाई, पर ध्यान नहीं रहा, एसआरएफ में बाइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अब हेडलाइन का वक्त हो गया है।